ये मंत्री की जिम्मेदारी है, उसी ने करवाई है, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए उसके खिलाफ। एफआईआर दर्ज हो चुका है? दर्ज हो चुका, देख करेंगे, अब बातचीत करेंगे सब लोगों से। तो आप किससे बात करेंगे अभी? अभी कमेटी से बात करेंगे, सब लोग यहाँ पे हैं, आए हैं। फोन थोड़ा नीचे कर लीजिए। किस कमेटी से? जो अपने जो गांव के लोग हैं इनसे बात करेंगे। डीएम और एसएसपी यहाँ पे थे, चार पांच इशू है जो उनको दिए हैं। पहले ये है कि एफआईआर का मोबाइल धाराएं उसमें 302 उसमें लगेगी जी। लड़के का नाम 120 भी सारी आएगी। मंत्री की बर्खास्तगी ये मेन इशू रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले जी, उसकी बर्खास्तगी। इन परिवारों को मुआवजा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू और टिके रहे हैं। आपने कहा था मंत्री के खिलाफ, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? अभी प्रशासन को दे दिया है अपने कि ये है, आप सरकार से जाकर बातचीत आप कर लें। यानी अगर क्रमशः आप कहें तो आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी, बिल्कुल बर्खास्तगी तो जाएगी भाई। केंद्रीय मंत्री के पूरे जो वीडियो है 10 दिन पहले वो आप देख सकते हो, प्री प्लान ये है। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी वो भी इसमें सवाल है, क्योंकि हमलाकर फर्स्ट हमलाकर वे हैं, उन्होंने हमला करा है अपने बचाव में, कोई दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ तो अपने बचाव में हो गए। ABP सोचा, जोश जज्बा जुनून।